एक बॉलीवुड मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता है, क्योंकि जब उम्मीद टूट जाती है तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एक उम्मीद ही तो है जिसके लिए इंसान जी रहा है। आपके जीवन में भी इस वक्त पे कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद होगी जिसके भरोसे आप रोज शायद काम पे जाते होंगे या कुछ भी करते होंगे, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी दिन वो उम्मीद जिसके भरोसे हम जिंदा हैं वो जरूर पूरी होगी। कल के दिन जैसे ही एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होता है, जहां रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके मीडिया के और जनता के हर सवालों का जवाब देते हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब देते वक्त वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि कुछ उम्मीदें जो इस पूरे देश ने पाल के रखी थी वो उसी वक्त वहां पे दम तोड़ देती हैं। और जिस तरीके से उन सवालों का जवाब दिया जाता है, हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि शायद आज एक उम्मीद का भरे बाजार में कत्ल हो गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि आपने हमारी आखिरी उम्मीद का भरे बाजार में मर्डर कर दिया। आपको सुन के शायद थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ कड़वा लग रहा होगा या फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या कह दिया, तो वीडियो को देखते रहिए मैं बताता हूँ। पर वो देखने से पहले मैं तुमसे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऑनलाइन गेम्स खेल के रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं? वैसे आज की डेट में मार्केट में कई सारी वेबसाइट और एप्स हैं जो दावा तो करती हैं बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देने का, पर रिवॉर्ड्स की जगह आपको कुछ मिलता है तो वो है धोखा। पर ऐसा भी नहीं है कि ऑनलाइन गेम्स में रिवॉर्ड जीतना कोई बहुत मुश्किल है, बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या वो साइट सर्टिफाइड है, क्या वो साइट डेटा और मनी सेफ रखने की गारंटी देती है, और क्या वो साइट RNG का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल खेलो स्टार एक ऐसी साइट है जो 100% ट्रस्टेड और सर्टिफाइड साइट है, साथ ही यहाँ इंक्रिप्टेड टेक्निक के साथ आपका डेटा और मनी सेफ और सिक्योर रहता है। इसके अलावा RNG टेक्निक आपको देती है फेयर गेमिंग का भरोसा, मतलब हाँ अगर खेलो स्टार पे तुम फन के लिए भी लाइव गेम्स खेल रहे हो तो रिवॉर्ड जीतने की अच्छी खासी चांसेस हैं। और सिर्फ लाइव गेम्स ही नहीं, ऑलमोस्ट हर तरह के स्पोर्ट्स गेम्स आपको यहाँ खेलने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 24/7 कस्टमर सपोर्ट, मेगा कैशबैक ऑफर्स और मल्टीपल फ्री स्पिन जैसे फीचर्स बनाते हैं इसे इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। और हाँ एक स्पेशल बात, अभी रजिस्टर करने पे पहले कुछ यूजरों को मिल रहा है 100% वेलकम बोनस, तो वेट नहीं करने का, अभी जाने का www.khelostar.com पे और जाके साइन अप करने का 100% बोनस का फायदा उठाने का, लिंक तुमको पिन करने मिल जाएगा। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने कहा कि कल के दिन जैसे ही रोहित शर्मा और अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एशिया कप 2023 की टीम अनाउंस करने के लिए, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे अलग अलग तरीके के सवाल किए जाते हैं, तो उन्हीं सवालों में से वो एक सवाल का कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुन के कुछ उम्मीदें जो लोगों ने पाली थी वो टूट जाती हैं। अब किस इंसान को लेके ये उम्मीदें थी मैं बताता हूँ, उस प्लेयर का नाम है शिखर धवन। देखिए जाहिर सी बात है कि हर कोई ये ऑलरेडी मान के बैठा हुआ था कि 99% ये कंफर्म है कि शिखर धवन अब हमें खासकर वर्ल्ड कप 2023 में तो नहीं दिखेंगे, और अगर अब वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे तो उसके बाद वो कभी भी इंडियन टीम में दिख जाएं ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से दिन पर दिन नए नए प्लेयर्स टीम इंडिया में आ रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया की टीम हर दिन कई युवाओं को मौका दे रही है, उसे देखते हुए ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि शिखर धवन को आज के वक्त पे हमें रिटायर्ड मान लेना चाहिए। हालांकि हाल ही में शिखर धवन ने जो इंटरव्यू दिया था, जब उनसे इस बारे में सवाल करा गया था, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में एक ही बात कही थी कि कुछ उम्मीदें हैं जिनके भरोसे मैं जी रहा हूं, कुछ उम्मीदें हैं जिनके भरोसे मैं बैठा हूं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला हूं, किसी से जाके कोई भीख नहीं मांगने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी ये भरोसा रखता हूं कि अगर वक्त आएगा तो जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझको मिल जाएगा। इस स्टेटमेंट से लोगों ने ये आकलन लगा लिया था कि धवन यहां पे जिस बारे में बात कर रहे हैं, कुल मिला के वो यही कहना चाहते हैं कि अब भी मैंने एक छोटी सी उम्मीद पाल के रखी है कि शायद कुछ हो जाए और मैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए सेलेक्टर्स के दिमाग में बैठ जाऊं। मैं बस ये चाहता हूं कि कुछ ना कुछ बेसिस पे मुझको भी तो टेस्ट करा जाए, किसी ना किसी तरीके से मेरे बारे में भी सोचा जाए, फिर अगर मैं अच्छा खेलूं या बुरा खेलूं उसके बाद ये डिसीजन लिया जाए कि मेरे साथ उनको प्रोसीड करना है या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, पर उसके बावजूद
बावजूद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब जब से धवन का ये स्टेटमेंट सामने आया था तो कई सारे शिखर धवन के फैंस कह लें या इंडियन क्रिकेट के फैंस कह लें हल्की फुल्की उम्मीद अपने दिल में जगा के रखे थे कि शायद कुछ ऐसा हो जाए और शिखर धवन भी हमको वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिल जाए। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूं ना कि ठीक है हम क्रिकेट हार और जीत के लिए देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले देखते हैं उसमें खेलने वाले प्लेयरों के लिए। तो अब बात आती है उस उम्मीद की जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा था। देखिए जैसे ही कल के दिन रोहित शर्मा और अजीत अगरकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशिया कप 2023 के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट करते हैं तो उनसे वैसे तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल उनसे किया जाता है वो ये होता है, क्या अभी भी आपकी नजर में शिखर धवन के बारे में कोई बात चल रही है? क्या अब भी आप अपने दिमाग में शिखर धवन के बारे में कुछ सोच रहे हैं या फिर उनको लेके आपने सोचना ही बंद कर दिया है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए अजीत अगरकर यहां पे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए शिखर धवन ने इंडियन टीम के लिए बहुत कुछ किया है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए हम रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन के अलावा किसी भी ओपनर के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम कभी केएल राहुल से भी ओपनिंग करा सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं, लेकिन हम इस चीज से टस से मस नहीं होने वाले हैं कि हमारे लिए प्रिफर्ड चॉइस बस तीन ही ओपनर्स की है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। अब इसी से रिलेटेड सवाल जब रोहित शर्मा से किया जाता है कि क्या अभी भी कई प्लेयरों के लिए वर्ल्ड कप 2023 के दरवाजे खुले हुए हैं या जो लोग इस समय एशिया कप 2023 में सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग ये मान लें कि उनके लिए अब सारे दरवाजे बंद हैं, तो रोहित शर्मा से भी यहाँ पे कोशिश रिपोर्टर्स ये कर रहे थे कि कहीं से वो जवाब निकल आए जहाँ से लोगों को फिर से ये उम्मीद मिल जाए कि अब भी शिखर धवन की थोड़ी बहुत चांस बन सकती है। लेकिन रोहित शर्मा यहां पे जो जवाब देते हैं वो उस उम्मीद को और बुरे तरीके से तोड़ देते हैं जो उम्मीद, जैसा मैंने कहा, लोगों ने अपने दिल में जगा के रखी थी। रोहित शर्मा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ल्ड कप 2023 के दरवाजे हर किसी के लिए बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। अब भी कई प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं, कई ऐसे प्लेयर जिनको लेके हम थोड़ा बहुत डाइसी हैं वो टीम में रिटर्न कर सकते हैं और वर्ल्ड कप 2023 में भी खेल सकते हैं। लेकिन जब वो ये जवाब दे रहे थे तो यहाँ पे वो बस तीन ही नामों का जिक्र करते हैं, पहले हैं अश्विन, दूसरे हैं युजवेंद्र चहल और तीसरे हैं वॉशिंगटन सुंदर। जब वो ये स्टेटमेंट कोट करते हैं कि दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं हुए हैं तो जैसा मैंने कहा वो एग्जाम्पल देते वक्त बस इन तीन ही नामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने कहा अश्विन, चहल और वॉशिंगटन सुंदर। इसके बाद थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन जो लोगों के दिमाग में अगरकर के स्टेटमेंट के बाद बैठा हुआ था वो भी पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि अगरकर और रोहित शर्मा दोनों के ही मन में शिखर धवन को लेके अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है और इसी के साथ हर कोई इस बात पे भी मोहर लगा लेता है कि हमने ऑलरेडी शिखर धवन को आखिरी बार इंडिया के लिए खेलते हुए देख लिया है, अब वो कभी भी जिंदगी में हमें इंडियन टीम के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हालांकि कहने को कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हिम्मत मत हारो, लेकिन ये जुमले ना सिर्फ फिल्मों में काम करते हैं, जब बात रियल लाइफ की आती है तो सब कुछ बदल जाता है। और रियल लाइफ का यानी कि जिंदगी का सत्य अभी तो यही है कि शिखर धवन अब आपको इंडियन टीम में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अब 1% भी इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि शिखर धवन उस नीली जर्सी को धारण करें। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या शिखर धवन की कमी वर्ल्ड कप 2023 में खल सकती है या फिर इस वक्त पे जो इंडियन टीम बनी है वो शिखर धवन से आगे बढ़ चुकी है, जो कि सही भी है। जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सेम टाइम पे पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से khelostar.com को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और नीचे दिए हुए लिंक से जाएंगे तो 100% आपको वेलकम बोनस मिलेगा जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं और ऐसा कहीं भी ऐप में नहीं होता है, बाकी इंडिया का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, खेल के देखो पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। तो अभी जाके पिन कमेंट दिए हुए लिंक से चेकआउट करना, वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।